हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी सेकंड में पाठ दो वर्ण एवं मात्राएं। पाठ दो वर्ण एवं मात्राएं, ये एक बार मैंने जूम क्लास में भी पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार वापस और बता रही हूँ। वर्ण एवं मात्राएं, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 10। वर्ण एवं मात्राएं, बच्चों बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। ध्वनि मीन्स आवाज, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज निकलती है, ये तो मौखिक रूप हुआ। लेकिन जब वो लिखित लिखते हैं तो लिखित रूप में जाकर वह वर्ण कहलाती है। लिखित रूप में जाकर वही वर्ण कहलाती है, अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो क्या है बच्चों, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो सभी बच्चे बुक में देखेंगे, जैसे है ब अ ब आ ब आ बा बा, जैसे च प्लस बड़ी की मात्रा ची, च प्लस बड़ी की मात्रा ची ची, है ना। इस तरह से वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ण कौन कौन से हैं, अ आ ई क ख ग आदि। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। छोटी क्लासेस में मैंने पढ़ा था स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। तो स्वर कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों, 11 होती है। फिर है व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छोटी क्लासेस पढ़ाया अपने, क ख ग ग घ, जैसे क वर्ग, पहले क आए तो क वर्ग क ख ग घ घ न, च वर्ग च छ ज झ झ न, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। फिर देखेंगे बच्चों बुक नंबर 11 पे अंतस्थ, अंत य र ल व कौन से व्यंजन में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। उष्म व्यंजन है श श श ह, श श श उष्म व्यंजन में आते हैं। तो बच्चों ये था अपना वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद। वर्ण की परिभाषा और वर्ण के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, और व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन टोटल 33 होते हैं। अयुग्वाह, अयुग्वाह न तो ये स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं। अयुग्वाह क्या है, न तो ये स्वर में आते हैं और ना ये व्यंजन में आते हैं, इसे अयुग्वाह कहते हैं। जैसे अ बिंदु अह अंग, इसी प्रकार के वर्ण है। उसका उदाहरण है कंस हंस संगीत गंगा पंख। फिर है अ चंद्र बिंदु, अंग को अनुनासिक भी कहते हैं, इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। छोटी क्लासेस में पढ़ाया फिर अंग को अनुनासिक भी कहते हैं, इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से किया जाता है। किसका अनुनासिक का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन है, किससे किया जाता है, मुख तथा नाक से किया जाता है। जैसे आंख गांव ऊंट पांच आदि। अंग, अह को विसर्ग कहते हैं, इसको हल्का सा झटका देकर पढ़ा जाता है। अह को कैसे पढ़ता है, हल्का सा झटका देकर पढ़ा जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। फिर है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन आपस में जब जुड़ते हैं
तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। योग यदि जुड़ते हैं दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर्ण में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों? चार। टोटल संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार। टोटल संयुक्त व्यंजन है चार। जैसे ये है, देखो पढ़ेंगे अपने ने संयुक्त, ये छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है अपन ने, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। वन संयुक्त व्यंजन होते हैं चार होते हैं, श, ज, त्र, श्र। अब अपने पढ़ेंगे किस किस के व्यंजन के योग से बनते हैं। जैसे क प्लस श, ये मिलाकर क्या बनेगा बच्चों? श से क्षत्रिय। क प्लस श मिलाकर क्या बनेगा? श से क्षत्रिय। ज प्लस य मिलाकर क्या होगा? ज से ज्ञानी। और इससे बनने वाला श से क्षत्रिय से बनने वाला शब्द है क्षत्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, क्षत्रिय ना? ज्ञा से ज्ञानी से तो पढ़ाई अपने ने, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञायज्ञ, ज्ञानी यज्ञ। आया बच्चों समझ में आपको? संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, कह हैं श, त्र, य, श्र। फिर है त, त प्लस र बराबर त्र, त्र, त प्लस र बराबर त्र। इससे बनने वाला शब्द क्या है बच्चों? त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। फिर है श्र, श से शलगम। कौन सा श है बच्चों? ये श से शलगम प्लस र क्या होगा? श्र। इससे बनने वाला शब्द है श्र म, श्र म, परिश्रम, परिश्रम। तो बच्चों आया आपको संयुक्त, बच्चों आया संयुक्त व्यंजन। क प्लस श बराबर श, ज प्लस य बराबर ज्ञ से ज्ञानी, त प्लस र बराबर त्र, और श प्लस र बराबर श्र। ये सात संयुक्त व्यंजन होते हैं। पेज नंबर 12 पे आएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ को ढ से डमरू और ढ से ढक्कन को उत्क्षिप्त व्यंजन माना गया है। ड से डमरू और ढ से ढक्कन, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है। कौन कौन से शब्द है इनसे? देखो घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, कढ़ाई। फिर है हलंत, हलंत, हलंत इसको कहते हैं। हलंत किसको कहते हैं बच्चों? तिरछी रेखा होती है, जैसे ये नहीं लगा ये हलंत है, श के नीचे जो लगाया ये है हलंत, जो तिरछी रेखा होती है। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग, जैसे ना ये क के नीचे लगाया तो ये ना हलंत, हलंत, क, ख, ये है ना, क, ख आदि। फिर है र के विभिन्न रूप। र छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा ऐसे आती है और बड़े उ की मात्रा ऐसे आती है। अन्य रूप जैसे सूर्य, कार्य, र है तो ऊपर से आ गया तो सूर्य, नीचे कार्य, र की मात्रा ऊपर से है। फिर क्रम, भ्रम, ट्रक, ड्रम। और र वर्ण से बनने वाले शब्द, र से तो रथ, राखी, वर्ण र से कौन कौन शब्द बनते हैं? जैसे रथ, राखी, ट्रेन, राष्ट्रीय, वर्षा, धर्म, चंद्र, प्रथम। तो बच्चों आप ये पेज नंबर, ये पाठ दो है, पाठ दो 10, 11 और 12 एक दो बार अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।